नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के नंबर वन यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों के लिए, जो लोग दोस्तों पॉलिटेक्निक 2021 का एग्जाम दे दिया और उनको लगता है कि हम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो लोग आगे इन फ्यूचर वो लोग कौन सा कोर्स ले, उनके लिए कौन सा कोर्स बढ़िया रहेगा, है ना, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। मैं आपको इसमें ऐसे ही कोर्स चुनने के लिए ट्रिक एंड ट्रिक्स और साथ में दोस्तों कोर्स को बताने वाला हूँ जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालेगा, है ना, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। मेरा कहने का मतलब ये रहा। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, अगर दोस्तों आप लोगों का बहुत ही कम मार्क्स है और 2022 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के जरिए तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक का पैरामेडिकल का क्लासेज स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, ठीक है। और बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पॉलिटेक्निक में बहुत तरह के कोर्सेज आते हैं, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बहुत तरह का फैशन हो गया, हर तरह के इसमें क्या होते हैं दोस्तों कोर्सेज होती हैं। अब इसमें से कौन सा बढ़िया माना जाता है दोस्तों, तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका सिविल। सभी के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि सिविल का बढ़िया है, सिविल कर लो, सिविल कर लो। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है मालूम है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि दो साल में सिविल वाले इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, वैकेंसी देखी जा रही है सरकारी में। सरकारी का बहुत ही कम आता है दोस्तों, अब तो किसी भी चीज़ का निकल नहीं रहा है, तो सरकारी की तुलना में अब सब जगह प्राइवेट हो रहा है। तो आप लोग प्राइवेट का सोचो, ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट ही सभी जगह जाना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको सिविल में लाखों लाख का पैकेज मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोग को कोई ना कोई अच्छा गाइड करता है। और दोस्तों यदि बात करें सेकेंड नंबर के कोर्स की, तो वो है दोस्तों आपका मैकेनिकल कोर्स। मैकेनिकल कोर्स दोस्तों सेकंड नंबर पे अभी टॉप चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, हाँ ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को अच्छा अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैकेनिकल करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपको, आप कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको, इसमें नया नया इन्वेंशन भी कर सकते हैं, आपको नया नया इन्वेंशन के लिए आपको माइंड सेटअप भी होता चलेगा इसमें। जैसा कि आप लोग आर्टिकल में देखते होंगे, पॉलिटेक्निक के छात्रों ने ये चीज़ बनाया, पानी से गाड़ी चलाया, है ना, ये स्कूटर बनाया, बैटरी से स्कूटर चलता है, ऐसा ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलता होगा, है ना। तो ये सब चीज़ आप लोग मैकेनिकल वाले ही करते हैं। बाकी दोस्तों कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, तो कंप्यूटर साइंस वाला का भी चलता फिलता अभी आ रहा है दोस्तों। लॉकडाउन के समय तो उनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि एप्लीकेशन बनाना हो गया, जितने भी स्कूल कॉलेज हो गए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हो गए, है ना, उन लोग अपना सारा क्लासेस कहाँ पे करने लगे, एप्लीकेशन पे ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं और दोस्तों ऑनलाइन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा, तो उन लोग का भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला, है ना। और बहुत सारे, और मैकेनिकल हो गया, फिर आपके साथ आ जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल, है ना। इलेक्ट्रिकल में भी आपको बहुत ही अच्छा खासा है, पिछले साल तो पिछला का पिछला साल मतलब कह सकते हैं 2018-19 में तो मैकेनिकल का डिमांड था, है ना, मैकेनिकल का वैकेंसी भरो, है ना, मैकेनिकल का आप लोग कोर्स करो, मैकेनिकल का बहुत जल्दी आप लोग को जॉब लग जाता है, ऐसा ऐसा था। तो हर साल दोस्तों अलग अलग होते रहता है, तो ये मत सोचना कि मतलब आज सिविल चल रहा है तो कल जाकर के सिविल ही चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल अलग अलग ट्रेंड चलते रहता है, जिस तरह का मार्केट खोजिएगा उस तरह का मार्केटिंग आपको जाना पड़ेगा, तो ये सब सोच करके आपको चलना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सिविल को भी अच्छे तरीके से ले सकते हो आपका। फिर सेकंड नंबर पे आपका हो गया मैकेनिकल हो गया, थर्ड नंबर पे कंप्यूटर साइंस हो गया, और फोर्थ नंबर पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल हो गया। ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जो लोग कम स्टूडेंट कम नंबर आए हैं तो उनका क्या होगा, तो वो लोग दोस्तों क्या करिए, आपके पास टोटल 44 गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार के लिए, है ना। तो आप 44 में जो भी कोर्स आपको लगना है, कि जैसे मेरे को लगता है कि नहीं मेरे कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगे वही कोर्स अप्लाई करना दोस्तों। जिसको लगता है कंप्यूटर साइंस कर सकता हूँ, जिसको लगता है कि मैं सिविल कर सकता हूँ, सिविल मेरे लिए अच्छा है, तो दोनों को अप्लाई करना चाहते हैं तो 44 जिसका कम नंबर 44 कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर दो, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको उठा लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।